बिस्मिल्लाह टी वी पर आपका मेजबान चौधरी अख्तर फारूक में हो। नाजरीन, निदाकिसन टी वी अपने नाजरीन के लिए मुल्क में खुराक की कमी को दूर करना और बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए मशरूम फार्मिंग एक सब्जेक्ट के तौर पर, एक इशू के तौर पर लेकर चल रहा है। इस हवाले से हमारा टारगेट ये है कि इसको कॉटेज इंडस्ट्री बनाया जाए। कॉटेज इंडस्ट्री जब बनती है जब एक डेयरी बान भी इसको अपने घर में पकाए और उसे कारोबार से वाबस्ता हो। इस वक्त इस तरह ये सूरत नहीं है। गुज़श्ता 2 से 3 ढाई दहाइयों से मशरूम फार्मिंग पाकिस्तान में मुतारफ़ है, लेकिन अभी भी वो चंद एक लोगों तक, चंद ख़ानदानों तक, चंद लोग इसको कारोबार में इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो इस लेवल पर नहीं गई जैसे ये हमारे हमसाया ममालिक में, दूसरे मुल्कों में ये इस लेवल पर गई है। इसकी क्या वजूहत हैं? एक तो ये है, और दूसरा ये, आज का जो हमारा मौजू है वो एक बहुत बड़े मशरूम फार्मर के तजिया नगार भी हैं, वो एक्सपर्ट भी हैं, और इस कारोबार से वो पिछले अरसा दराज से, कम अज़ कम एक दहाई से वो इस कारोबार को कर रहे हैं, और करने के अलावा उनका इस फार्मिंग में जो पाकिस्तान के चंद मायानाज और चंद अफराद हैं जो इस पर एक ग्रिप रखते हैं, उनमें उनका नाम नुमाया तौर पर लिखा पढ़ा और देखा जा सकता है। उनका नाम अनीस मुर्तज़ा है, फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है, वो किसी तारफ के मोहताज नहीं है। आज हम अपने जो मशरूम फार्मर ग्रोअर्स हैं उनके लिए ये टॉपिक लाए हैं कि ये मशरूम फार्मर जो नए लोग आते हैं नाकाम हो जाते हैं, कारोबार तबाह हो जाता है, क्या वजूहत हैं, क्या गलती हैं, एक कामयाब होता है वो क्यों होता है, और जो नाकाम होते हैं क्यों होता है। ये है हमारा मौजू, और इस बारे से अगर कोई आपको सवाल की ज़रूरत महसूस हो, तशनीगी महसूस हो, हमें ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, सवाल पूछिएगा, फिर आपको मज़ीद रहनमाई देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर। मेरे नाज़रीन को ज़रा आप ये बताइए, तारफ़ तो मैंने मुख्तसर आपका करवा दिया, और इस और मज़ीद आप तारफ़ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान में जब मशरूम फार्मिंग होती है तो वहाँ पर एक नाम आपका लिखा जाता है, सुनहरे रुख में लिखा जा रहा है और जाएगा, लेकिन ज़रा ये बताइए कि वो लोग जो नए मशरूम फार्मर हैं, आते आ रहे हैं, उनको वो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, वो कौन सी एहतियाती तदाबीर है जो पहले की गलती और ये ना करें ताकि वो कामयाब हो सके। अख्तर साहब बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। जब भी मशरूम फार्मिंग का जिक्र करते हैं तो उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एक नया आने वाला ग्रोअर जो है या फार्मर वो गलतियां करता है, जो हमसे भी गलतियां हुई हैं, और उन गलतियों से एक्सपेरिमेंट करके हमने काफ़ी कुछ सीखा है। उसका कंक्लूजन जो है शायद काफ़ी लंबा हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर जो है और जामिया तरीके से जो है आपको समझाऊँ इसके ऊपर। जो सबसे पहले गलती फार्मर करते हैं, लोकेशन चूज़ करने के अंदर गलती हो जाती है कि आपने फॉर्म किस जगह पे बनाना है। लोकेशन चूज़ करने के लिए आपको वैसे तो आप लोकेशन इसकी कोई भी ले सकते हैं, क्लाइमेट के हवाले से, क्लाइमेट क्योंकि इसका कंट्रोल्ड है, अब पूरे मुल्क में किसी भी कोने पे कर सकते हैं, कराची में भी हो रहा है या मरी में भी हो रहा है, दोनों इलाकों का क्लाइमेट जो है बहुत मुख्तलिफ है। ये गर्म तरीन इलाके जो कुवैत, कतर, ओमान, उधर भी हो रहा है, ठंडे तरीन मुल्कों के अंदर भी कामयाबी से हो रहा है, और नेचुरल डिज़ास्टर जो है वो इसके ऊपर इम्पेक्ट नहीं करता है क्योंकि ये इनडोर और कंट्रोल्ड फार्मिंग है। तो जो दूसरी लोकेशन चूज़ करने के अंदर मेजर चीज़ें पॉइंट रखे जाते हैं, एक तो आपका जो लोकेशन है वो आपने देखनी है कि आपकी मार्केट के नज़दीक तरीन हो। ये एक बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं लोग, दूर दराज गाँव के अंदर फार्म बना लेते हैं, उसके बाद जब प्रोडक्शन आती है तो उनको आइडिया होता है कि यार ये हम बुक कैसे करवाएँ, इसको कराची कैसे भेजें, लाहौर, इस्लामाबाद या किसी बड़े शहरों में कैसे ट्रांसपोर्ट करें। आप लोकेशन उस जगह पे डिसाइड करें जहाँ पे आपकी रसाई जो है ट्रांसपोर्ट की, इसको डिस्पोजल करना आसान हो, कोई एयरपोर्ट की सहूलत, कोई बस की जो दूसरे शहरों में जाती है उसकी सहूलत, कोई रेलवे की सहूलत आपकी एसएस के अंदर हो। ऐसा ना कि बहुत दूर दराज है, अगर आपके क्रॉप कम है, 10 किलो है, 20 किलो है, आप उसको करवाने जाए आपके उससे ज़्यादा उस पर अखराज आ जाएँ। और एक और काफ़ी गलती मैंने नोटिस की है कि लोग दूरदराज के एरियाज़ में गांव के अंदर कोई ज़ाती ज़मीन देख के बना लेते हैं, क्योंकि इसके लिए ज़मीन की रिक्वायरमेंट बहुत थोड़ी है, कोई बहुत ज़्यादा आपको रकबा नहीं चाहिए एकड़ों में, ये कनालों में आपको रकबा चाहिए, वो अपनी कोई जो ज़ाती ज़मीन देख के, कोई बाप दादा की ज़मीन देख के विरासती वहाँ पर बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनको आइडिया होता है कि यार यहाँ पर तो हमारे पास इंडस्ट्रियल कनेक्शन ही बिजली का अवेलेबल नहीं है, और डोमेस्टिक कनेक्शन के ऊपर आप कमर्शियल फार्मिंग नहीं कर सकते,
क्योंकि आपकी एनर्जी का एक सोर्स, बड़ा सोर्स है आपका, जो आपको रिक्वायर्ड होगा फार्मिंग करने के लिए, अगर आप कमर्शियल स्केल पे कर रहे हैं। ये डोमेस्टिक यूज़र्स के लिए नहीं मैं कह रहा, कमर्शियल स्केल के फार्मर्स के लिए बात कर रहा हूँ, कि वहाँ के पास थ्री फेज़ कनेक्शन या इंडस्ट्रियल कनेक्शन लाजमी होना चाहिए। और एक इसके अंदर लोकेशन चूज़ करने में आपने देखना है कि आपका जो क्लाइमेट है उस एरिए का, इन्वायरमेंट सॉरी जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें पोल्यूशन ना हो। आप किसी इंडस्ट्रियल एरिए के अंदर फार्म ना बना लें जहाँ पे CO2 की रेशियो बहुत ज़्यादा हो, चिमनियों से धुआं निकल रहा हो, वो ज़ाहरी बात है आपकी प्रोडक्शन को बड़ा डिस्टर्ब करेगा। उसके लिए CO2 मीटर्स मिलते हैं, आप बनाने से पहले वहाँ का एक सर्वे कर लें इन्वायरमेंट का, उसका CO2 रेशियो जो है वो चेक कर लें कि उसमें पोल्यूशन कितने परसेंट है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद एक पानी का एक मेजर प्रॉब्लम आता है कराची के अंदर या कुछ इलाकों में, पानी की काफ़ी शॉर्टेज है, क्योंकि कंपोस्ट तैयार करनी है तो आपको पानी की रिक्वायरमेंट होगी, और पानी भी हमें सॉफ्ट वाटर चाहिए, हार्ड वाटर नहीं चाहिए। अगर तो उसके TDS कोई थोड़े से ज़्यादा हैं, या 1000-2000 TDS तक है, तो RO प्लांट से आप गुजारा कर सकते हैं लगा के। अगर आपका नेचुरल TDS अंडर 500 है तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी कंपोस्ट बेहतरीन इससे तैयार हो जाएगी। लेकिन जैसे कराची या और दूसरे शहरों में हमारे अक्सर यहाँ पे सलाइन वाटर का प्रॉब्लम है कि TDS 7-8 हज़ार तक भी चले जाते हैं, उन इलाकों में पानी का थोड़ा मसला होगा, उसको पानी का अल्टरनेट सोर्स या उनको देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी है कि ये गलती जो लोकेशन में लोग करते हैं वो यही है। दूसरा, फिर हमने लोकेशन चूज़ कर ली, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है इसका। आप फार्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गलत डेवलप कर लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं करते, उसको प्लान ही नहीं करते कि आपने ग्रो रूम बनाया है, उसकी प्रोडक्शन की आप कैपेसिटी लें, उसकी कंपोस्ट की कैपेसिटी लें कि उसके अंदर कितनी कंपोस्ट जाएगी, उस लिहाज से आप कंपोस्टिंग यार्ड बनाएं, आपका जो फेज़ वन बंकर्स हैं वो बनाएं, फेज़ टू जो है पाश्चराइजेशन चैम्बर उसको तैयार करें। ऐसा ना हो कि आपकी जो पाश्चराइजेशन चैम्बर है उसकी कैपेसिटी 15 टन कंपोस्ट की है और आपके रूम की कैपेसिटी 10 टन कंपोस्ट की है, तो आपकी कंपोस्ट ठीक नहीं बनेगी, वो आपका पाश्चराइजेशन चैम्बर जो है वो सही तरीके से ऑपरेशनल नहीं होगा, और वो सही तरीके से आप कंपोस्ट उसमें पाश्चराइज नहीं कर सकते। और मैंने देखा है कि पाकिस्तान में एक बड़ा ट्रेंड है, मैं इसके बड़ा ख़िलाफ़ हूँ, जो ड्रमों के अंदर पाश्चराइज किया जाता है। ड्रमों में आप ऑयस्टर मशरूम कर सकते हैं, मिल्की मशरूम कर सकते हैं, केसिंग को पाश्चराइज कर सकते हैं, लेकिन बटर मशरूम के कंपोस्ट को करके वो पाश्चराइज तो हो जाएगी, मशरूम भी निकल आएगी, लेकिन कोई रिमार्केबल आपको रिजल्ट उसका नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी रीज़न है कि उससे आपका मॉइस्चर अनइवन हो जाता है, और सम टाइम अगर आपके कंपोस्ट में अमोनिया की क्वांटिटी थोड़ी बहुत बच जाए तो अमोनिया ट्रैप्ड हो जाएगी उसके अंदर, और आपका जो रिज़ल्ट है वो पुअर यील्ड आपकी आएगी। मशरूम तो आपकी निकल आएगी लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं, उतनी यील्ड के ऊपर आपको इकोनॉमिकली वो नहीं सूटेबल रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम गलत रैक बना लेते हैं, जो हम ग्रोइंग रैक शेल्फ तैयार करते हैं उसका साइज़ हम गलत ले लेते हैं, शेल्फ टू शेल्फ फासला कम रख लेते हैं, या रूम का साइज़ हमारा छोटा है और हमने ग्रोइंग रैक उसमें बहुत ज़्यादा लगा ली है, उसको ओवर पॉपुलेटेड कर दिया है, वो भी CO2 अंदर कंडेंस होगी उसके अंदर, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, आपका मशरूम क्वालिटी जो है वो बड़े बुरे तरीके से इफ़ेक्ट होगी। रूम साइज़ हम गलत रख लेते हैं, जैसे बहुत बड़ा रूम साइज़ रख लिया है वो भी इफ़ेक्ट होगा, जैसे आप 50 टन का रूम बना लें, कोई कोल्ड स्टोरेज मिला है आपने उसको अमेंड कर लिया इसके अंदर, तो वो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो रूम साइज़ जो है आपका अप्रोप्रिएट होना चाहिए, एक मुनासिब रूम साइज़ होना चाहिए, एक विड्थ और लेंथ जो है उसकी जो आइडियल बनती है उसको आप लें। अगर आपके पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, आप उसमें काम करना चाहते हैं, तो उसको देखें कि वो मशरूम फार्मिंग के लिए मौजूद भी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो उसमें पूर वेंटिलेशन है रूम्स के अंदर, आप प्रॉपर एयर वेंटिलेशन नहीं कर सकते, तो वो आपकी मशरूम क्वालिटी बहुत पुअर निकलेगी और वो आपके फेलियर का चांस है, वो बल्कि आप फेल हो जाएंगे उसके अंदर। जब आप पुअर क्वालिटी के मशरूम प्रोड्यूस करेंगे आप मार्केट नहीं कर सकते उस मशरूम के साथ। पाकिस्तान में हमारे एक और बड़ा प्रॉब्लम है, जो अनप्रोफेशनल गाइडलाइन दी जाती है। अनप्रोफेशनल गाइडलाइन लेने से आप पूरे का पूरा अपना मशरूम का जो स्ट्रक्चर है, फॉर्म है, वो सारा तबाह कर लेते हैं। आप जब भी फॉर्म बनाना है, आपके पास ट्रेनिंग नहीं है, इसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग लें। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी भी जाती है, अवेलेबल भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं सारे। अनप्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने से आप अपना फॉर्म कामयाबी के साथ नहीं चला सकते। जिन लोगों के पास प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, उन्होंने हाथ से काम नहीं किया,
आप उनसे मशवरा लेंगे जो इस फील्ड के बंदे नहीं हैं, तो वो ज़ाहिर बात है आपके फेलियर का चांसेस जो है उसमें ज़्यादा है। इसके बाद प्रोडक्शन की तरफ आ जाएं, हमारे फेलियर के अंदर जो रीज़न है प्रोडक्शन के अंदर वो पुअर सबस्ट्रेट है। जिस तरह नया फार्मर है उसको क्वालिटी पैरामीटर्स नहीं पता कि रॉ मटेरियल के क्या क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, वो सबसे पहले तूड़ी देखें तो वीट स्ट्रॉ जो है वो गलत परचेज़ कर लेंगे। वीट स्ट्रॉ जो यूज़ होती है मशरूम फार्मिंग के लिए वही इस्तेमाल करनी चाहिए, और गीली ना हो बिल्कुल। अक्सर अवकात स्टॉक की वीट स्ट्रॉ हम लेते हैं वो गीली होती है, उसको पानी लग जाता है बारिशों का, तो उसके अंदर एक फर्मेंटेशन का अमल जो है वो स्टार्ट हो जाता है, उससे आपकी कंपोस्ट जो है वो बड़ी पुअर क्वालिटी की बनेगी। और एक सबसे बड़ी मेजर गलती जो मशरूम फार्मर्स करते हैं वो चिकन मन्योर के अंदर है। अक्सर अवकात मशरूम फार्मर्स चिकन मन्योर जो है वो लेयर बर्ड की ले लेते हैं, अंडे वाली मुर्गी की, वो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कंपोस्ट बनाने के लिए। आपने हमेशा जो चिकन मन्योर ख़रीदनी है वो आपकी गोश्त वाली मुर्गी की ब्रायलर बर्ड की होनी चाहिए, और बर्ड की लाइफ भी पूरी होनी चाहिए, यानी कि 35 दिन प्लस जो है बर्ड होना चाहिए। अगर आपको 40 दिन के बर्ड की मन्योर मिलती है और सबसे ज़्यादा बेहतर है। अक्सर औकात को मार्केट में रेट में तेज़ी आ जाती है या फार्म के अंदर कोई डिजीज़ आ जाती है तो वो 20-25 दिन बाद या 30वें दिन पर शेड खाली कर देते हैं। उसके अंदर मन्योर की क्वान्टिटी इतनी थोड़ी होती है कि आपका नाइट्रोजन कॉन्टेंट उससे पूरा नहीं होगा। ये प्रोडक्शन के अंदर जो रॉ मटेरियल के अंदर गलती करते हैं। उसके बाद पुअर क्वालिटी का स्पॉन वो ख़रीद लिया जाए, वो स्ट्रेन ख़रीद ली जाए जो गारंटेड नहीं है। आप ऐसे सोर्स से स्पॉन ख़रीद रहे हैं जिसका स्पॉन अच्छी क्वालिटी का नहीं है, वो ज़ाहिर बात है जब तक आपका बीज अच्छा नहीं है तो आपकी प्रोडक्शन नहीं है, क्वालिटी नहीं है, क्रॉप नहीं है। क्रॉप नहीं आएगी तो आप फेलियर के चांसेस हैं आपके। अगर आपने बीज अच्छी क्वालिटी का ख़रीद लिया है लेकिन आप उसकी हैंडलिंग नहीं कर सके, वो भी एक फेलियर की रीज़न है। आपका स्पॉन आया है, आपने उसकी हैंडलिंग नहीं की, वो 2 दिन वैसे ही पड़ा रहा है बाहर, आपने उसको कंट्रोल टेम्परेचर में नहीं रखा, वो ज़ाहिर बात है उसको हीट शॉक लगेगा और वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन आप स्पॉनिंग उसकी कर देंगे आपको रिज़ल्ट जो है उसका कोई फेवरेबल नहीं आएगा। मैनेजमेंट इश्यूज़ उसके बाद आ जाते हैं कि एक फार्म की मैनेजमेंट जो है वो उसके कामयाब करने में बड़ा किरदार अदा करती है। आपकी मैनेजमेंट क्या है, आप कंपोज जिस दिन स्टार्ट कर रहे हैं आपने स्पॉन का ऑर्डर उस दिन देना है। 20 दिन कंपोज के हैं, 20 दिन स्पॉन बनाने के लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कंपोज तैयार कर लिया और स्पॉन का ऑर्डर आप उस दिन दे रहे हैं या लेट दे रहे हैं। आप 10 दिन कंपोज को रखी रखें बाद में लेट करें, न्यूट्रिशन वेस्ट हो रही है, कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे इस चीज़ के साथ, तो आपकी यील्ड जो है इफ़ेक्ट करेगी। कंपोज जितनी लेट होगी उतनी आपकी पुअर क्वालिटी की बनेगी और पुअर यील्ड जो है वो आपको देगी। हमारे पाकिस्तान में एक लेबर इशू बहुत ज़्यादा है, हमारे पास मशरूम फार्मिंग के लिए ट्रेंड लेबर अवेलेबल नहीं है, ट्रेंड सुपरवाइजर्स नहीं है, ट्रेंड मैनेजर्स नहीं है। आप अपनी लेबर को लें, फिक्स बंदे रखें, जो दिहाड़ी में बंदे बुलाए काम किया जाता है वो हमेशा नुकसान देते हैं क्योंकि वो ट्रेंड नहीं होते, उनको हार्वेस्टिंग करनी नहीं आती, उनको कंपोस्ट को टर्निंग देनी नहीं आती, मशरूम तोड़ नहीं सकते सही तरीके से वो। आप अपने फिक्स बंदे लें, उनकी अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करके फिर उनको फार्म के ऊपर जो है अपॉइंट करें। उसके बाद गलत डिसीजन ले लेना, रॉन्ग डिसीजन गलत टाइम पे, जैसे आपने रूम के अंदर फ्रेश एयर की ज़रूरत है आप नहीं दे रहे, आपने एयर एक्सचेंज करनी है आपने नहीं की, आपको इस चीज़ के ऊपर डिसीजन आप लेट ले रहे हैं, आप फार्म पर प्रॉपर चक्कर नहीं लगाते, आपकी तवज्जो नहीं है, आप इसमें डेज़ काउंट होते हैं बिल्कुल, जो काम आज करना है वो आज ही करना है। अगर आपने फ्रेश एयर देनी है, आपका टाइम पीरियड पूरा हो गया केस रन का, तो आपने फ्रेश एयर देनी है उसके ऊपर। कंपोज पाश्चराइजेशन के 7 दिन है, कंडीशनिंग के और पाश्चराइजेशन के, तो पूरे 7 दिन होने चाहिए, उसके 8वें दिन स्पॉनिंग जो है आपकी होनी चाहिए। ऐसे नहीं 12-14 दिन कंपोज पड़ी रही बाद में पाश्चराइज होने के बाद आप उसमें स्पॉनिंग ही ना करें, या लेबर नहीं है आपके पास, आपकी मैनेजमेंट पुअर है, आपका जैसे फ्लश आ रहा है मशरूम का और आपके पास उसकी हार्वेस्टिंग करने के लिए लेबर अवेलेबल नहीं है, वो सारी मशरूम ओवर मच्योर हो गई ख़त्म हो जाएगी। वो एक पूरी आपने प्रॉपर इसकी प्लानिंग करनी है कि मैंने किस दिन कौन सा काम करना है। ये हम पूरे साल का एक साइकिल बना के रखते हैं कि हमने किस दिन कौन सा काम करना है। इसमें क्योंकि कंट्रोल्ड फार्मिंग है तो आपको आइडिया होता है कि आपका जो मशरूम का फ्लश जो है क्वान्टिटी में मशरूम किस दिन स्टार्ट हो रही है, उससे पहले आपने बंदे अरेंज करने हैं कि जिस दिन मेरी मशरूम भरपूर आएगी मेरे पास हार्वेस्टिंग के लिए बंदे अवेलेबल हैं। मैंने बहुत सारे फार्म्स पर देखा है कि मशरूम फुल फ्लश आ रहा होता है और वहाँ पे उनके पास हार्वेस्टिंग के लिए बंदे नहीं होते और सारी मशरूम ओवर मेच्योर होकर ख़राब हो जाती है। ये नाज़रीन को ये बताइएगा कि अभी आपने बड़ी एक अच्छी बात कही है कि
प्रोफेशनलिज्म नहीं है और मारे सिखाए जाते हैं, क्या पाकिस्तान में जो प्रोफेशनल ट्रेनर्स इसमें मौजूद हैं मशरूम फार्मिंग में, अगर हैं तो वो किस अंदाज से दी जाती है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह कंसल्टेशन सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, मशरूम के एक्सपर्ट्स भी अवेलेबल हैं जो बटर मशरूम पे अपनी पूरी महारत रखते हैं, आप उनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कोई मसला है तो आप मुझे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। ज़रूरी तरक्याती बैंक में काशिफ साहब होते हैं, उनको कोई मसला है आप उनसे पूछ सकते हैं, वो भी अपने मशरूम फार्मिंग में बहुत महारत रखते हैं, बड़ा अरसा उन्होंने टाइम गुजारा है इसके अंदर। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में, वैसे तो आपने जो मौसम बता दिया कि हर गर्मियों में भी हो सकती है सर्दियों में भी हो सकती है, इसका बेहतरीन जो मैदान है आइडियल जहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं पाकिस्तान के, कौन सा एरिया है जहाँ पर ज़्यादा ये कामयाब है ताकि फार्मर के लिए निशानदेही हो सके? इसके ऊपर मैं बड़े अरसे दराज से रिसर्च कर रहा हूँ पाकिस्तान के किस एरिया के अंदर कोई ऐसा हमें वेदर मिल जाए जो पूरा साल जो है कांस्टेंट रहता हो 15 से 25 टेम्परेचर के ऊपर, मुझे कोई ऐसा एरिया इसके अंदर नहीं मिला। अगर नाजरीन में से कोई ऐसा बंदा है जो ऐसा एरिया जानता है कि जहाँ पे पूरा साल टेम्परेचर हमारा 15 से 25 डिग्री के अंदर रहता है, तो इसमें हमारी बड़ी हेल्प होगी और उस पर हम मज़ीद वर्किंग जो है वो कर सकते हैं। बाकी ये पूरे पाकिस्तान के अंदर आप किसी भी एरिया में कर सकते हैं। अगर आप जाते हैं ठंडे इलाके के अंदर तो आपको जो दो क्रॉप्स हैं वो नेचुरल टेम्परेचर में मिल जाती हैं, दो क्रॉप्स में आपको हीटिंग करनी पड़ती है। पंजाब, जनूबी पंजाब या सिंध के इलाकों में आ जाएँ तो एक क्रॉप जो है आपको नेचुरल टेम्परेचर में मिल जाती है सर्दियों की, जो गर्मी क्रॉप्स है उसके अंदर आपको वेदर जो है कंट्रोल करना पड़ता है। अभी आपने जितनी गुफ्तगू की है उसमें आपने आम फार्मर की बात की है, आप इसी वीडियो पैगाम के ज़रिए गवर्नमेंट के सामने अपनी कोई मुतालबात रखना चाहते हैं, उनकी निशानदेही करना चाहते हैं ताकि वो इन मसाइल को हल करके इसकी इसमें बेहतरी ला सके? गवर्नमेंट के लिए यही अपील है, जिस तरह आपने हमसाय मुल्क की बात की वहाँ पे बड़ा सक्सेसफुल है ये, क्योंकि वहाँ पे सब्सिडी दी जाती है इसके ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी, मशरूम फार्म के ऊपर भी, लेकिन हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं है इस चीज़ की। थोड़ी सी अगर सब्सिडी दी जाए, कोई स्पॉन के हवाले से दी जाए कि हमारे यहाँ पे स्पॉन का जो सोर्स है वो सस्ता हो जाए, तो ये एक फार्मर्स के लिए बड़ी हेल्प होगी। इस टाइम हमारी एक जो मेजर कॉस्ट है वो स्पॉन की है, पूरा रॉ मटेरियल आप एक तरफ कर लें, स्पॉन की कॉस्ट आप एक तरफ कर लें। अगर कोई गवर्नमेंट लेवल पर इंटरनेशनल लैब लग जाए जो स्पॉन सब्सिडी प्राइस पर दे, तो मेरा ख्याल काम में बड़ी बेहतरी हो सकती है। जो इसके बाद तीसरा मेजर रीज़न हमारा मशरूम फार्मिंग में फेलियर का आता है, या जो नए आने वाले फार्मर्स हैं उनकी रहनुमाई के लिए, हमारे यहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स इस वजह से भी फेल होते हैं कि उनके पास कांस्टेंट सप्लाई नहीं होती मार्केट में देने के लिए। देखिए, पाकिस्तान एक मशरूम और इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, कैंड की शक्ल में बटर मशरूम इंपोर्ट होता है और हर रेस्टोरेंट्स पर यहाँ पर इस्तेमाल होता है। अब कैंड के टेस्ट और फ्रेश के टेस्ट में बड़ा फ़र्क है, आप एक रेस्टोरेंट के पास जाते हैं उसको आप फ्रेश मशरूम्स देते हैं, वो कैन छोड़ के फ्रेश पे आता है तो ज़ाहिर बात उसका टेस्ट बड़ा बेटर हो जाता है इस चीज़ में। आप एक माह उसको सप्लाई देते हैं, उसके बाद आप सप्लाई उसकी रोक देते हैं, दो माह आप उसको कोई चीज़ नहीं देते, उसकी मजबूरी है कि वो दोबारा फिर कैन में चले जाएगा और वो इस चीज़ से वो इजहार नाराज़गी है आपसे और वो दोबारा काम नहीं करेगा आपसे कि जब आप तक मार्केट में कॉन्स्टेंट सप्लाई नहीं देंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कम अज़ कम 3 से 4 कमरे ग्रोइंग रूम होने चाहिए, फिर आप पूरा साल कंटिन्यूस फसल जो है वो ले सकते हैं और मार्केट को सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो बैच साइकिल है आपके 20 दिन स्पॉनिंग के हैं, उसके बाद केसिंग के 16 दिन हैं, उसके बाद आपकी मशरूम जो है वो 25 दिन के लिए निकलती है। आप 25 दिन आपने फसल ली, अगर आपके पास एक कमरा है तो फिर उसके बाद दोबारा आप नया बैच लगाएंगे, वो दोबारा से आपके उस टाइम में पीरियड में मशरूम निकलना बंद हो जाएगी और आप मार्केट से कट ऑफ हो जाएंगे। आपने जितनी मेहनत मार्केट बनाने के लिए की थी वो आपको दोबारा फिर नए सिरे से करनी पड़ेगी मेहनत। तो मेरी ये बटर मशरूम के कमर्शियल फार्मिंग के ग्रोअर्स के लिए एक है कि आपको लाजमी 3 से 4 कमरे बनाने चाहिए, इससे कम कमरों पे आपको काम नहीं करना चाहिए। एक्सपेरिमेंट के लिए कर सकते हैं, शौक के लिए कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं और प्रॉपर कमर्शियल फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट 3 से 4 कमरे जो हैं उसको ऑपरेशनल करें। उसके बाद एक जो हमारा इशू आया था वो पैकिंग का इशू है, हमारा फार्मर इतना अवेयर नहीं है या लेबर इतनी अवेयर नहीं है कि वो मशरूम की पोस्ट हार्वेस्टिंग अच्छे तरीके से कर सकें।
आपने मशरूम पैदा कर ली, डिजीज से भी लड़ लिया, हर चीज़ से लड़ लिया, आपकी निकल आई, उसके बाद आप उसकी प्रॉपर पैकिंग करके मार्केट को डिस्पोजल नहीं कर सके, तो आपकी सारी मेहनत आया। अब आपने मशरूम तोड़ी है, वो वैसे बाहर गर्मी में पड़ी रही है, 2 घंटे पड़ी रही है, आपने उसको चिल्लर में नहीं लेके गए, 4 डिग्री का एयर शॉक नहीं दिया उसको, तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी। आपने उसकी प्रॉपर पैकिंग नहीं की, जिस तरह एक उसके प्रोटोकॉल्स है पैकिंग के, कि आपने थर्माकोल की पैकिंग में उसको पैक करना है, आइस जेल या आइस उसमें लगा के फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना है, ताकि कोल्ड इन्वायरमेंट उसके लिए बना रहे। आप उसको सिंपल कार्टन में डाल के भेज देते हैं या लूज़ उसको पैकिंग कर देते हैं, वो ज़ाहिर बात है कि आपकी मशरूम 3-4 घंटे में 5 घंटे में वो जाएगी और जाते हुए ख़राब हो जाएगी। एक और बड़ा इशू हमारे यहाँ पे फार्मर्स के साथ आता है, फाइनेंशियल इशू। वो काम तो शुरू कर लेते हैं लेकिन उसके बाद उनको फाइनेंस का बड़ा इशू होता है, फाइनेंस की प्रॉब्लम आ जाती है, कमी आ जाती है, वो नए बैचेस नहीं स्टार्ट कर सकते, वो अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको नहीं पूरा कर सकते, वो फिर एक रीज़न जो है वो फेलियर की बनती है। आप प्री फिजिबिलिटी स्टडी इसकी लाजमी करें, उसकी स्टडी पूरी करने के बाद अपने फाइनेंस अरेंज करके पूरे फिर इस काम को स्टार्ट करें। जी नाजरीन, आपने भी इनकी बातें सुनी, बड़े अच्छी तरीके से उन्होंने आपको उन वो निशानदेही की हैं कारोबार के इंतखाब से लेकर उसको मार्केटिंग करने तक। इसके बावजूद भी अगर वो बातें आपको अगर समझ नहीं आई हैं तो कोई मसला नहीं है, आप हमें लिंक करें, प्रोग्रेस कमेंट्स करें, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा और आपके मसाइल को हल किया जाएगा। मकसद ये है इलम देना, एजुकेट करना, और यही हमारे चैनल का मकसद है। और इंशाल्लाह अजीज़, हम जिस रिदम से जिस लेवल से कर रहे हैं, अभी 12 अप्रैल को ही पहली नदाई किसान टीवी और ZBL के तावन से एक बड़ी अच्छी मशरूम फार्मिंग ट्रेन वर्कशॉप हुई है, और ये सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह अजीज़। हर ज़िले में होगा, हर जगह पर होगा, पूरे पाकिस्तान में फैलेगा। उम्मीद है आप इस पर अमल करेंगे। अभी हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।